फ्रेंड्स, मैं दिस वीक एंटरप्राइजेस से सुरेश सैनी। मैं आज आपको एक कॉलेज की फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड उसके बारे में बताऊंगा, उसको दिखाऊंगा और उसकी कंप्लीट डेमो आपको दिखाऊंगा। आइए अपन वॉशिंग मशीन देखते हैं। कॉलेज की 7 किलो कैपेसिटी के अंदर फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, क्योंकि एक लुक देखिए आप प्रीमियम और बड़ा अच्छा लुक है इसका। इस वॉशिंग मशीन के अपन फंक्शन की बात करते हैं तो ये सबसे मेन फंक्शन इसका है, ये एक एलर्जी प्रोटेक्ट, जो कि ग्रेटेस्ट फंक्शन है इसका। एलर्जी प्रोटेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये वॉशिंग मशीन अपने कपड़ों का बाहर की गंदगी साफ करेगी, उसके अलावा अपने कपड़ों की जो अंदर के बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हुआ, एलर्जी वगैरह हुआ, अपने घर में डॉग वगैरह पाल रखा है, पैट वगैरह पाल रखा है, उसकी एलर्जी हुई, उससे जो भी रिलेटिव बीमारी थी उसको भी कम्प्लीटली साफ करेगी। ये एलर्जी प्रोटेक्ट फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है, जब अपन इस वॉशिंग मशीन को एलर्जी प्रोटेक्ट मोड के ऊपर चलाते हैं तो ये वॉशिंग मशीन कपड़ों को धोती भी गर्म पानी से और उनको खंगालने मतलब झकोलने का काम भी गर्म पानी से करती है। दूसरी बात, इसके अंदर 15 वॉश प्रोग्राम है, मतलब 15 तरीके के अलग अलग वॉशिंग प्रोग्राम है, जो कि पहला आता है इसके अंदर वाइट कपड़ों के लिए। जब अपन इसको इस फंक्शन पर चलाएंगे तो ये वॉशिंग मशीन पानी को ज़्यादा टेम्परेचर मतलब अधिक टेम्परेचर पे गर्म करके कपड़ों को वॉश करेगी, जिससे कि जो वाइट कपड़ों में अधिक से अधिक मैल वगैरह रहता है, अधिक से अधिक गंदे होते हैं, उन सबको क्लीन करेगी। दूसरी बात, हैवी के ऊपर जो भी अपने बेडशीटें वगैरह हुई, हैवी कपड़े हुए, वो चीज़ इस फंक्शन के ऊपर काम करेंगे। तीसरा ऑप्शन है अपने पास कॉटन के अंदर अपने बहुत सारे कॉटन के कपड़े होते हैं जिनको कि अपन को धोने के लिए अलग से फंक्शन चाहिए, वो चीज़ भी अपन को इसके अंदर मिलेगी। दूसरा, चौथा फंक्शन आता है इसके अंदर कोल्ड वॉश का मतलब होगा जैसे कि अपन विंटर के अंदर कपड़े पहनते हैं, स्वेटर वगैरह हुआ, जर्सी वगैरह हुई, वो सब इससे आएंगे। सिंथेटिक कपड़े वो होते हैं जो जिनमें भी रिंकल्स ज़्यादा पड़ जाते हैं। जनरली होता क्या है कि जब अपन कपड़े वॉश करते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स वगैरह पड़ जाते हैं, तो जब ये सिंथेटिक मोड के ऊपर काम करेगी तो उन कपड़ों में रिंकल्स कम होंगे, रिंग्स जो भी सुखाने का काम, जकोलने का काम, वो नॉर्मली वॉश होंगे। दूसरा आता है अपने वूलन के कपड़े भी आते हैं, वूलन के अपने स्वेटर वगैरह भी आते हैं, वूलन के छोटे बच्चों के कपड़े भी आते हैं, वो फंक्शन इसके अंदर दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन आता है रिंस होता है, जो कि कपड़े धोना खंगोना निचोड़ने के बाद जो प्रोग्रामिंग होती है वो रिंस होती है। तो एक ऑप्शन आता है स्पिन का मतलब होता है कपड़ों को धोना खंगोड़ना हो जाता है, उसके बाद स्पिनिंग होती है कपड़ों के अंदर। स्पिनिंग का मतलब कम्प्लीटली अपन जाना चाहे निचोड़ना, कपड़ों को कम्प्लीटली निचोड़ा जाता है इससे। और डिक्लाइन के अंदर छोटे बच्चों के ऐसे कपड़े आते हैं जिनके जो कि ऐसे कड़क से रहते हैं, जिनको कि अगर अपन बिल्कुल हल्के से नॉर्मली वॉश करें ना तब वो कपड़े वॉश होते हैं, अगर उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक कपड़ों पर जोर डाल दिया तो वो कपड़े पर रिंकल्स पड़ जाएंगे और वो कपड़े खराब हो जाएंगे, वो डिक्लाइन वॉश के अंदर आते हैं। दूसरा, स्पोर्ट्स वियर के अंदर जनरली अपने वो कपड़े आते हैं जो कि छोटे बच्चे बड़े बच्चे स्पोर्ट्स खेलने कूदने के वगैरह से जाते हैं बाहर और वो स्पोर्ट्स के अंदर पहनते हैं, वो कपड़ा स्पोर्ट्स वॉश में आएगा। मिक्स फैब्रिक के अंदर अपने सॉक्स वगैरह आ जाएंगे, अपने अंडरगारमेंट्स आ जाएंगे, वो सब मिक्स फैब्रिक के अंदर आ जाएंगे। बेबी केयर आसानी से समझ में आ रहा है अपन को, जो भी छोटे बच्चे के कपड़े बहुत नाजुक होते हैं, जो कि जिनको भी अपन को नॉर्मली वॉश करना पड़ता है, ईजी वॉश करना पड़ता है, वो चीज़ अपने इसके अंदर आएंगे। और रैपिड 15 ये प्रोग्रामिंग, ये फंक्शन ऐसा है कि अपन को कहीं पार्टी वगैरह में जाना है, कहीं जल्दी प्रोग्राम में जाना है, मतलब अपन कपड़े जल्दी धुले हुए चाहिए, तो रैपिड 15 का मतलब अपनी ये वॉशिंग मशीन 15 मिनट के अंदर अपने कपड़े वॉश करके दे देगी, बाकी रिंस और स्पिन साइकिल हो जाएंगे इस 15 के अंदर। बाकी इसका मेनली ग्रेटेस्ट फीचर्स है अपने पास वो है एलर्जी प्रोटेक्ट, जो कि 7 प्रकार के बैक्टीरिया रिमूव करेगी। दूसरी बात, अपन को इसके ऊपर ही शानदार सा छोटा सा डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसके अंदर की एक तो वॉशिंग मशीन क्या प्रोग्रामिंग कर रही है, पहले वॉश करेगी, फिर रिंस करेगी, फिर स्पिन, वो तीनों प्रोग्रामिंग अपन को यहाँ शो होंगे। सेकंड बात, अपन को यहाँ पानी का जो कितना टेम्परेचर करके पानी को वॉश कर रही है, यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन भी किया हुआ है, 60 डिग्री 40 डिग्री, वो टेम्परेचर अपन को यहाँ मेंशन होगा। तीसरा, स्पिन होता है वॉश, रिंस, और लास्ट में स्पिन होता है कपड़े निचोड़ने का काम, कपड़े सुखाने का काम, कपड़े ड्राई करने का काम, वो चीज़ होती है इसके अंदर। और ये लास्ट ऑप्शन है अपना मशीन को स्टार्ट एंड पुश करने का, जब मशीन चल रही है तब यहाँ से स्टार्ट करना है, और मशीन को अगर बीच में रोकना है तो यहाँ से पुश करना है अपन को। एंटीक्रीज फंक्शन और
डेली की इस फंक्शन को अगर अपन 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो इसके अंदर एक अलग फंक्शन और आता है, वो चाइल्ड लॉग आता है। जैसे अपने वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े वॉशिंग के लिए चल रहे हैं, वॉश प्रोग्रामिंग चल रही है, अगर कोई बच्चा आगे कोई किसी भी बटन को दबाएगा तो वॉश प्रोग्रामिंग डिफरेंट मतलब छट जाएगी कहने का मतलब। तो वो चीज़ को अपन रोकने के लिए इसको अगर 3 सेकंड तक हम प्रेस कर देंगे तो ये पूरा लॉक हो जाएगा सिस्टम, ये डिस्प्ले इसका लॉक हो जाएगा। कोई भी छोटा बच्चा आगे बाहर से कोई बटन दबाएगा तो अपनी वॉशिंग प्रोग्रामिंग डिस्टर्ब नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, उस चीज़ के लिए ये दो बटन काम में आएंगे ये। और प्रीमियम अपन बाहर से इसका लुक देके पूरी वॉशिंग मशीन का ये चीज़ आएगी। लास्ट इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है जो कि अपना आता है इको बैलेंस। इको बैलेंस का मतलब ये हो गया कि ये वॉशिंग मशीन अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जब चलाएगा इस मोड के ऊपर चलेगी तो इसके अंदर 40% तक पानी और 25% तक अपना बिजली सेवर का काम करेगा। इको बैलेंस टेक्नोलॉजी, कम्प्लीटली इको बैलेंस टेक्नोलॉजी आएगी। तीसरी बात अपन इसकी वारंटी गारंटी की बात करें तो 10 ईयर्स की मोटर वारंटी आएगी और 3 ईयर्स की कंप्लीट मशीन की वारंटी आएगी। इसके अंदर मशीन खराब होना, मशीन चल नहीं रही है, मशीन में पानी वगैरह ड्रेन पाइप से बाहर नहीं आ रहा है, मशीन वॉशिंग प्रोग्रामिंग कंप्लीट नहीं कर रही, उसकी 3 ईयर वारंटी आएगी। और मशीन की मोटर की 10 ईयर तक वारंटी आएगी इसकी, वो कंपनी से अपनी 10 ईयर तक है। इसी बात अपन इसका अंदर से ड्रम वगैरह देखते हैं तो इसका ड्रम भी बड़ा कूल एंड देखने में बड़ा अच्छा है। और स्पेस की बात करें तो मैक्सिमम एंड फुल स्पेस आएगा अपन को इसके अंदर। आराम से एक बेडशीट आ जाएगी, डबल बेड की बेडशीट दो आप इसके अंदर, घर के अंदर कोई भी हैवी मटेरियल हो, कपड़े जहाँ तक देखा जाए 10 से 15 तक कपड़े की जोड़ी आराम से इसके अंदर अपन वॉश कर सकते हैं, वो चीज़ आएगी। दूसरी बात फ्रंट लोड के अंदर मेनली होता क्या है कि जब इसके अंदर एक तो पानी कम लेगा, पानी इसलिए कम लेगा क्योंकि इस मशीन का ड्रम आड़ा है। इससे क्या होगा कि जब कपड़े इसके अंदर अपन डाल देंगे तो कम से कम वाटर के अंदर वो कपड़े आराम से डूब जाएंगे और वॉशिंग प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो चीज़ अपन को पानी भी सेवर होगी है, मतलब वाटर भी सेविंग करेगी वो वॉशिंग मशीन अपन को, इसलिए अपन को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन परचेज करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वॉशिंग मशीन पसंद आई हो, मेरा डेमो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड अधिक से अधिक शेयर करिए। और हम जहाँ तक होगी नई से नई चीज़ों का हम आपको डेमो प्रोवाइड करेंगे, जब तक आप सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाओगे तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा। प्लीज़ तो सब्सक्राइब एंड बेल प्रेस आइकन।